डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आइए चलते हैं क्लास का टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग साइंस में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर, एक केमिस्ट्री का पार्ट है, उसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी रासायनिक समीकरण होता है तो रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और साथ साथ हम लोगों ने एनसीईआरटी के जो बीच में प्रश्न होते हैं उसको भी किया था। चलिए आगे आते हैं, हम लोग उसके आगे के जो टॉपिक्स है उसको पढ़ते हैं। तो उसके आगे के टॉपिक्स में हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, आखिर रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो अब टॉपिक बनाएंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। चलिए उसके नीचे लिखा जाए एरो देकर, रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः पांच प्रकार हैं। रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः पांच प्रकार हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया। तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया एंड लास्ट इज नंबर फिफ्थ, उपचयन या अपचयन। उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर कोई पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया के पांच प्रकार होते हैं। अब पांचों प्रकार बोल देना आसान है, लेकिन चीजों को सीख लेना, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो अब हम लोग संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, किसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, किसको विस्थापन अभिक्रिया करते हैं, किसको द्विविस्थापन और किसको उपचयन और अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये सारी जो अभिक्रियाएं की प्रकार होती है, ये पांच प्रकार की अभिक्रिया है। अब ये पांचों प्रकार की अभिक्रिया को हम लोगों को सीखना है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि आखिर संयोजन कब बोलेंगे, वियोजन कब बोलेंगे, यानी कि ये पांचों जो अभिक्रिया है ना, सबके बारे में हम लोग टॉपिक वाइज अच्छे से डिस्कस करेंगे, इतने अच्छे से ना कि आप कभी भूल नहीं पाओ कि क्या होता है संयोजन, क्या होता है वियोजन, क्या होता है विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो अभी ये पांच तरह की अभिक्रियाएं हैं और पांच तरह की अभिक्रियाएं में हम लोग बारी बारी से हर एक टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पर दिख रहा है कि नंबर वन पे कौन है, संयोजन अभिक्रिया। तो अब हम लोग किसका टॉपिक लेंगे भाई, अब सबसे मेन टॉपिक्स सबसे पहले हम लोग सीखेंगे संयोजन अभिक्रिया में। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे हम लोग कि आखिर संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो संयोजन अभिक्रिया आप टॉपिक बनाइए, इसके बारे में सबसे पहले फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया का फर्स्ट एरो,
लिखा जाए वैसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें दो या दो से अधिक जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक के अणु मिलकर दो या दो से अधिक अभिकारक के अणु मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, कौमा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग समझेंगे कि आखिर संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं। ठीक है, आप एकदम याद कर लो, संयोजन का मतलब होता है योग या फिर जुड़ जाना, जुड़ना। ठीक है, संयोग का मतलब क्या होता है? जुड़ जाना होता है। अगर मान लिया कि बहुत सारा एटम्स है और सब एटम्स को अगर हम लोग मिला दिए तो हम उसको बोलेंगे ना कि हम क्या किए, योग कर दिए। तो योग से ही याद रखिए क्या, संयोग या संयोजन। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक के दो या दो से अधिक अणु आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब एकल उत्पाद का मतलब भाई मेरे, अभिकारक और उत्पाद का तो मतलब समझते हैं, जो तीर के निशान के बाईं ओर होता है अभिकारक कहलाता है, तीर के दाईं ओर रहता है उत्पाद कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि आखिर संयोजन कब होगा। तो अभिकारक में दो या दो से अधिक अणु चलेगा, लेकिन उत्पाद में हमेशा कितना अणु बनना चाहिए, एक अणु बनना चाहिए। तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग बोल देते हैं कौन सी, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, वैसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में होता क्या है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो संयोजन अभिक्रिया होती है वो अभिकारक में कुछ भी, यानी कि जरा इसका हम लोग रूल्स का बात कर ले तो उसके नीचे रूल्स लिखना है। क्या रूल है भाई, कि अगर मान लिया इसमें ए बी या सी अभिकारक के अणु हो गए और इसको मिलने से सिर्फ एक ही अणु बनना चाहिए, जैसे मान लिया ए बी सी, एक अणु कहलाएगा क्योंकि जोड़ नहीं ना है, जोड़ में अगर वो अलग अलग होता है तभी हो गया, इधर कितना अणु हो गया, एक दो तीन, लेकिन इसका प्रतिफल कितना बन रहा है, एक। इसलिए हम संयोजन अभिक्रिया का परिभाषित करेंगे कि अभिकारक में दो या दो से अधिक अणु अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब उत्पाद में एक ही अणु बनाते हैं, तब हम इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो ये तो रूल समझ में आया ना, यहां से तो रूल्स का मतलब क्या, ये कभी ऐसा नहीं होता है कि ए बी सी मिलकर ए बी सी बने, लेकिन हम लोग यहां पे ये समझ रहे हैं कि अलग अलग जो चीजें हैं दो या दो से अधिक मिलकर अगर सिर्फ एक हो जाए, दो है या फिर यानी कि एक हो जाता है एकल उत्पाद, तब हम उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। चलिए जरा देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो अब आया हम लोगों को मेन एग्जाम्पल। अब आप इस एग्जाम्पल को याद रख लीजिएगा हमेशा कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है और संयोजन अभिक्रिया का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल कि सी मतलब भाई कार्बन जैसे ही ऑक्सीजन
यानी कि O2 के साथ अभिक्रिया करता है। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो CO2 बनाता है। ये किसका उदाहरण है? संयोजन उदाहरण है भाई, क्योंकि पहले था अलग अलग, लेकिन जैसे अभिक्रिया हो गया तो एकल उत्पाद बन गया, एक उत्पाद बन गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे कौन सा? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया याद रख लीजिएगा कि अभिकारक में दो रहे, तीन रहे, चार रहे, हजार रहे, लेकिन उत्पाद में केवल एक ही बनता है। तो आप देखकर पहचान जाएंगे ना कि कौन सा संयोजन है, कौन सा वियोजन है, कौन सा विस्थापन है। तो सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना, तब हम आपसे सवाल पूछेंगे कि आप पहचानो कि कौन संयोजन है, कौन वियोजन है, यानी कि आप अभिक्रिया को पहचानो। तो आप देखकर तुरंत पहचान सकते हो कि ये कौन अभिक्रिया है। लेकिन कब? जब बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे तब ना। तो संयोजन के बारे में याद रखना है कि अलग अलग अणु मिलकर सिर्फ एक अणु का निर्माण होता है, उत्पाद में सिर्फ एक ठो बनता है, दैट इज संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, और ये तो कार्बन का तो जानते ही हैं, कार्बन हमेशा सर्वमान्य है, ये कार्बन हर जगह पाया जाता है। तो कार्बन के लिए हम लोगों का एक चैप्टर ही है कार्बन से रिलेटेड, और ऑक्सीजन हम लोग श्वास लेने में काम करते हैं, और दोनों को मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस जो जहरीला गैस है, जो बहुत ही हमारे लिए हानिकारक है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, पेड़ पौधों के लिए सही है। दूसरा में क्या? तो H2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मिलने से आपको पता होना चाहिए जल का निर्माण होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये किसका उदाहरण? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग एटम मिलकर एक एटम बन रहा है, एक अणु बन रहा है, दो अलग अलग अणु मिलकर एक अणु बन रहे हैं, तो ये कहलाएगा कौन सा? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनता है, ये चीजें भी आपको याद रखना चाहिए। तीसरा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, Ca मतलब कैल्शियम, O, तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बन जाता है CaOH का होल टू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बन जाता है CaOH का होल टू। ध्यान रहे, यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना भी बोलते हैं, बिना बुझा चूना, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जान लीजिए इसके बारे में। और ये तो जल है, जानते ही हैं जल का फॉर्मूला H2O, और इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, इसका नाम होता है, या करके भी लिख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि अभिकारक में दो अणु थे और दोनों अणु आपस में मिल गए तो क्या बना लिए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट मींस बुझा हुआ चूना, और यह एक संयोजन अभिक्रिया है। अब जरा इनके बारे में जानते हैं। सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि बिना बुझा चूना का फार्मूला क्या है? तो बिना बुझा हुआ चूना का फार्मूला CaO है। Ca माने कैल्शियम, O माने ऑक्सीजन, और दोनों मिलकर इसका नाम हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये बिना बुझा हुआ चूना है। अगर बुझा हुआ चूना का फार्मूला बोलेगा तो हम कैसे बोलेंगे? CaOH का होल टू, CaOH का इसको हॉल पढ़ते हैं, हॉल टू। ठीक है, और इससे रिलेटेड बात
आपको एक और बात हम बता देते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना का प्रयोग कहां करते हैं, तो दीवार वगैरह को चूना से हम लोग पोतने का काम करते हैं ना। अरे जब भी दिवाली आती है तो चूना से हम लोग पोतते हैं ना, चूना से पोतते हैं। तो ये है बिना बुझा हुआ चूना, और ये किस रंग का होता है, तो सफेद कलर का होता है। और जिसका प्रयोग कहां करते हैं हम लोग, घर को पुताई करने में, घर को सफेदी करने में। तो ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि किस यौगिक का किसका उपयोग घरों को सफेदी करने में किया जाता है। ध्यान रहे, घरों को सफेदी करने में बिना बुझा चूना का प्रयोग होता है, या बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग होता है, ठीक है। और यदि बिना बुझा चूना को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, ये भी सवाल पूछ चुका है। ध्यान रहे, तो जब आप लिखिएगा कि जब बिना बुझा चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करता है तो एक बुझा हुआ चूना बनाता है जिसका सूत्र CaOH का होल टू होता है, और यह एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब कुल मिलाकर एक ही बात कि अभिकारक नहीं दो या दो से अधिक रहे, सिर्फ एकल उत्पाद बने, उत्पाद या फिर प्रतिफल। जानते हैं ना, तीर के निशान के दाहिने ओर वाले को हम लोग उत्पाद भी बोल सकते हैं, प्रतिफल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आप जरूर नोट कर लीजिए, और ध्यान रहे ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना का प्रयोग कहां करते हैं, घरों को सफेदी करने में। चलिए, तो इतना चीज करने के बाद उसके बाद हम लोग नोट में कुछ करके बाद लिखेंगे, NOTE, नोट, नोट। नोट में लिखेंगे एरो देकर, फिर बताते हैं हम क्या लिखे हैं। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण में जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण में उत्पाद के निर्माण में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, उन्हें उन्हें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए, अब जरा ऊष्मा छेपी अभिक्रिया को हम लोग समझते हैं कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो नोट में करके जो एक बात लिखे हैं, ये एक अलग तरीके का अभिक्रिया है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार नहीं है। कितने लोग बोल भी देते हैं तो चलिए कोई बात नहीं है, हालांकि इसका कोई रासायनिक अभिक्रिया से ज्यादा मतलब है नहीं। तो इसमें नोट करके हम लोग लिखें कि एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होता है। अब ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या है, तो कभी कभी हम लोगों को अभिक्रिया में लिखा हुआ चीज यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऊष्मा मतलब गर्मी, हीट, ठीक है। यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ही हम लोग ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लिया कि एग्जांपल CH4 है, इसको हम लोग बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं इसको, मेथेन। ये फार्मूला है मेथेन का। तो अभी ये चीज आपको नया फार्मूला मिल रहा है, हम लोग जब चीज पढ़ेंगे तो फिर आसान हम लोगों को लगेगा, टेंशन अभी नहीं लेना है। अगर ऑक्सीजन के दो एटम के साथ यानी कि 2A2 के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे, ऑक्सीजन के कितना एटम, दो एटम के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
वाटर प्लस उष्मा, देख पा रहे हैं? यानी कि कभी कभी ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, जल। तो कुल मिलाकर हमें यहां पे अभिक्रिया से पता चल रहा है कि इस अभिक्रिया को देखने से ये हमें मालूम पड़ रहा है कि उत्पाद में उष्मा निकल रहा है, उष्मा निकल रहा है। तो जब किसी भी अभिक्रिया में अगर उष्मा उत्पन्न हो, उष्मा निकले, तब हम क्या बोलते हैं? तब हम बोलते हैं उसको कौन सी अभिक्रिया? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि यहां पे क्या उत्पन्न हो रहा है? उष्मा उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और एक सवाल आ चुका है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है? श्वसन का मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना, ये श्वसन कहलाता है। श्वास का लेना, श्वास का छोड़ना, जब आप सांस लेते हैं तो ये कैसी अभिक्रिया है? तो आपको पता होगा कि सांस लेने और छोड़ने में उष्मा का कम मात्रा यूज होता है। यही कारण है कि आप कभी इस्तेमाल कीजिए, जो सांस छोड़ रहे होते हैं ना, आप छोड़ के देखिए, गर्म महसूस होगा थोड़ा सा, ठीक है। अब इतना भी हम नहीं बोल रहे हैं कि गर्मी हो कि आप जल के राख बन जाओ, इतना भी उष्मा नहीं। अगर थोड़ा सा भी उष्मा मिलता है, थोड़ा सा भी उष्मा उत्पन्न होता है, तो हम उसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो एक नोट का एक पॉइंट था कि जब किसी भी अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में अगर उष्मा निकले, उष्मा उत्पन्न हो, तब हम उसको कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया, समझ रहे ना चीजों को? चलिए उसके बाद बात करें तो दूसरे एग्जाम्पल नंबर पहला हुआ। दूसरा, श्वसन भी एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। याद रखिएगा, ये पूछता है कि श्वसन करना, सांस लेना कौन सी अभिक्रिया है? आप बताएंगे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। उष्मा क्षेपी क्यों भाई? क्योंकि जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? क्या? हीट, यानी कि उष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए श्वसन भी एक क्या है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। दूसरा कि हम लोग एक और चीज उष्मा क्षेपी का उदाहरण बता रहे हैं। होता क्या है ना कि जब कोई चीजें हम लोगों को घर में सड़ा गला रहता है, जो कुछ भी सड़ा गला रहता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? जैसे घर में सब्जी वगैरह बनाए तो सब्जी का छिलका हुआ, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको स्टोर करके अगर एक जगह पर रख दिया जाए, स्टोर करके रख दिया जाए, तो उससे खाद का निर्माण होता है। या फिर हम लोग जानते हैं कि घरों में जो गाय का जो गोबर होता है, ठीक है, काउडंग बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, तो उसको और घर के में जो कूड़ा कचरा है उसको इकट्ठा करके एक जगह पे रखा जाए तो वो किसका रूप ले लेता है? एक खाद का, एक कंपोस्ट बन जाता है। तो किसके वजह से? पता है, हीट के वजह से, गर्मी के वजह से वो खाद में परिवर्तित होता है। यानी कहीं ना कहीं उससे क्या निकलता है? हीट निकलता है, लेकिन ये कम मात्रा में होता है। पता है, जो यूज किए होंगे वो लोगों से पूछिएगा, गोबर गैस पे लोग खाना बनाया करते थे, गोबर गैस से लाइट जलाया करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हीट प्रोड्यूस होता है, हीट भी प्रोड्यूस होता है, करंट भी प्रोड्यूस होता है, समझ रहे ना चीजों को? तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि घरों में कूड़े कचड़े, खासकर साग सब्जियों के छिलके से, अब कूड़ा कचरा माने ओकरा में प्लास्टिक उलास्टिक नहीं आना चाहिए, तो सब्जियों के छिलकों से हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, खाद बनाते हैं, वो भी एक तरीके का उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो नोट का एग्जाम्पल का थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, साग सब्जियों के छिलके को, साग सब्जियों के छिलके को विघटित करके खाद का निर्माण करना
एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हम लोग नोट में करके एक अभिक्रिया के बारे में पढ़े, जो साइड के रूप में था, ये कोई पार्ट्स नहीं है हम लोग का, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए, तो अब इतना चीज सीखने के बाद अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक्स, जिसका नाम है दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। दूसरे का नाम क्या है? वियोजन अभिक्रिया। अब टॉपिक बनाएंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया, ठीक है? अब टॉपिक बनाया जाए वियोजन अभिक्रिया। लिखा जाए फर्स्ट एरो देकर, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें एकल अभिकारक के अणु एकल अभिकारक के अणु उत्पाद में कई अणु या परमाणुओं में कई अणु या परमाणुओं में विखंडन हो जाते हैं उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है, उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है, उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए ठीक, इस बार हम लोग देख रहे हैं इसका नाम है दोस्तों वियोजन, और वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। जैसे इसके पहले हम लोग संयोजन पढ़े हैं, संयोजन का मतलब किसी अभिक्रिया का जुड़ जाना, वैसे ही इसका उल्टा है वियोजन। वियोजन में क्या होता है? अभिकारक में कोई एक ही अणु रहेगा, लेकिन प्रतिफल यानी कि उत्पाद में कई पार्ट में वो टूट जाएगा, तब हम उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। यानी अभिकारक में एक तो रहेगा, ठीक है, लेकिन जब भी उत्पाद बनेगा वो कई रूपों में टूट जाएगा, तब हम उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे इसका रूल्स क्या है? इसका रूल्स उल्टा है। जैसे मान लिया ए बी रहेगा, तो ए बी से दो पार्ट में टूट जाएगा ए प्लस बी। यानी हम बोल सकते हैं कि अभिकारक के जो अणु है उसका उत्पाद में विखंडन हो जाता है। विखंडन का मतलब टुकड़ा टुकड़ा, खंडन हो जाना, दैट इज वियोजन अभिक्रिया, ठीक है? तो जैसे कि रूल्स में देख रहे हैं कि अभिकारक में एक अणु था, लेकिन जैसे ही उत्पाद बना तो इसका विखंडन हो गया, ये टूट गया, ठीक है? तो चलिए अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, जिसको हम लोग समझ सकते हैं। तो एक फेरस सल्फेट का एक अभिकारक है, इसका नाम क्या है? नाम हम लिखते चलेंगे, क्योंकि नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि किसका हम लोग किसका एग्जाम्पल क्या करते हैं। फेरस सल्फेट, ये फॉर्मूला होता है FeSO3, ठीक है? अब इसमें हम लोग देखते हैं कि फेरस सल्फेट से यहां पे जब ऊष्मा दिया जाता है, यानी कि एक हम लोग सीखे ना कि किसी किसी अभिक्रिया में हम लोग यहां ऊपर कुछ लिखते हैं तो वो उत्प्रेरक का काम करता है, तो यहां पे बनता है फेरस ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 SO3। देखिए इसका नाम है क्या? फेरिक ऑक्साइड, फेरस नहीं,
फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड ऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो उसके नीचे आप लिख दीजिएगा, जगह होगा तो मेरा जगह नहीं था, वो नीचे ही लिखा जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। तो फेरस सल्फाइड अभिकारक में एक ही अणु था, अभिकारक में एक ही अणु था ना यहां पे, जैसे ही इसमें ऊष्मा दिए तो ये क्या हो गया, तो फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया। अब आप यहां से देख पा रहे होंगे कि सल्फर, थोड़ा सा संतुलित कर लेते हैं, सल्फर यहां पे कितना है, दो ठो, यहां सल्फर एक ठो है, तो दो से गुना कर दिया, ठीक है। अब यहां पे हो गया दू गो एफ ई, तो एफ ई दू गो, ऑक्सीजन मिलाते हैं, चार दूना आठ, तो यहां तीन दू पांच और तीन आठ, ठीक हो गया। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल में अभिकारक में एक अणु था, अब ये टूट गया कई अणु में, विखंडन हो गया, तब हम इसको बोलते हैं कौन सा, वियोजन अभिक्रिया। तो आप वियोजन को देख के पहचान लेंगे कि अगर अभिकारक के अणु उत्पाद जब बनाते हैं तो कई रूपों में टूट जाते हैं, कई भागों में टूट जाते हैं, इसीलिए उसको वियोजन बोला जाता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अगर मान लिया CaCO3 है, CaCO3, ध्यान दीजिएगा इसको चूना पत्थर बोलते हैं, चूना पत्थर, या फिर इसको संगमरमर बोलते हैं, संगमरमर जिससे घर वगैरह में लगाया जाता है। तो संगमरमर का फॉर्मूला क्या, CaCO3, इसका दूसरा नाम भी है कैल्शियम कार्बोनेट, हालांकि इसके बारे में तो पढ़ेंगे हम लोग आगे, मिलेगा ये सब तो आज ही सीख जाएंगे तो हम लोग को कुछ याद रहेगा, तो अच्छी बात है ना। तो एक और याद रखना होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला CaCO3, इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं, इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं। इसका जो विखंडन होता है वो दो रूपों में होता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड, जहां पे कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बुझा हुआ चूना, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड जिसके बारे में हमें अभी सीखे, और CO2 बनता है। तो आप अभिक्रिया को देखकर देखिए ये भी किस तरह का है, तो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। क्यों वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि एक ही अभिकारक के अणु कई रूपों में इसका विखंडन हो जा रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये क्या है, तो ये एक वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। तो और आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा जाए, ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ वियोजन अभिक्रिया का। तीसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, अगर मान लिया एक यौगिक है जिसको बोल सकते हैं PbNO3, इसको पढ़ते हैं लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट का को अगर ताप दिया जाए, यानी कि लेड नाइट्रेट को अगर ताप दिया जाए तो ये बनता है लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 और O2, ठीक है, ये बनता है। इसका हम लोग नाम याद रखेंगे, इसका नाम होता है लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड ऑक्साइड। इसका नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ठीक है, NO2। तो नाइट्रोजन एनओ, नाइट्रस ऑक्साइड, एनओ होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग, और ये तो ऑक्सीजन बन रहा है सिर्फ, ये सिर्फ ऑक्सीजन। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए
तो हम लोगों को यहाँ कैसे कैसे नजर आ रहा है, यहाँ पीबी एक ठो है तो यहाँ एक ठो है, ऑक्सीजन यहाँ तीन ठो है, यहाँ पे कितना है चार ठो है, ठीक है। तो क्यों ना इसको हम लोग दो से मल्टीपल कर देते हैं, तो दो से मल्टीपल कर देंगे तो नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन तो पीबी भी दो हो गया, तो यहां पे दो कर दो आप, तो दो पीबी दो नाइट्रोजन, तो यहां कर दो दो नाइट्रोजन, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना, तीन दुना का छ, तो ऑक्सीजन मिला लेते हैं, यहां दो ऑक्सीजन, यहां दो ऑक्सीजन, यहां दो ऑक्सीजन, टोटल हो गया छह ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हम तो संतुलित कर दिए ना, क्यों, क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण का एक अलग ही महत्व है। तो यहां पे हम लोग लेड नाइट्रेट का विखंडन कर दिए इस रूप में। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल का बात करें, ये सब अभी एग्जांपल चल रहा है वियोजन अभिक्रिया का, क्योंकि अभिकारक में एकल अणु है और ये जब उत्पाद बना रहा है तो कई रूपों में विखंडन हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अगले उदाहरण की तरफ देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है AgCl, इसका नाम क्या है, नाम याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड। ये सब रिएक्शन जो है ना थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl, जब इसको सूरज के प्रकाश में रखा जाए, यानी कि यहां पे सूरज का प्रकाश में रखा जाए, तो ये जो है ना इनका विखंडन हो जाता है, यानी कि ये अलग अलग टूट जाते हैं, Ag+Cl2, Cl माने क्लोरीन और ये होता है सिल्वर, सिल्वर माने चांदी का सूत्र होता है Ag। अब यहां पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा हम लोग संतुलित कर लेते हैं, क्लोरीन कितना दो, यहां क्लोरीन कितना एक, तो क्या किया जाए दो से मल्टीप्लाई, तो दो से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्लोरीन तो दो को हो गया, लेकिन Ag कितना हो गया दो ठो, तो यहां दो ठे से हम लोग गुणा कर दिए, तो एक एग्जाम्पल ये भी हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर पांचवा करें, तो मान लिया सिल्वर ब्रोमाइड रहा, Br माने ब्रोमीन तो आइड हो जाता है, जैसे Cl माने क्लोरीन तो यहां क्लोराइड आइड अंत में जुट जाता है, तो इसका नाम क्या होगा सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर हम लोग सूरज के प्रकाश में रखें, सूरज के प्रकाश में, तो इनका विखंडन हो जाता है, सिल्वर अलग हो जाता, ब्रोमीन अलग हो जाता, यानी कि Ag+Br2, क्योंकि ये टू के फॉर्म में रहता है। अब सिल्वर ब्रोमाइड है, सूरज के प्रकाश में रखते हैं, तो ब्रोमीन कितना है यहां पे दो ठो, यहां पे ब्रोमीन कितना है एक ही ठो है, तो इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AgBr हो जाएगा। सिल्वर कितना दो ठो, तो इसको दो से मल्टीप्लाई किया, तो कुल मिलाकर हम लोग वियोजन अभिक्रिया को भी देख लिए। तो हम लोगों को पांच अभिक्रिया में से दो अभिक्रिया अच्छे से पढ़े, एक संयोजन और एक वियोजन, और हालांकि दोस्तों दोनों क्या है एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है। एक में क्या होता है संयोजन में, कि अभिकारक में कुछ भी हो सकता है लेकिन उत्पाद में एक ही बनेगा, इसमें होता है कि अभिकारक में सिर्फ एक और उत्पाद में उत्पाद में बहुत सारा, उत्पाद में उसका विखंडन हो जाता है, इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तो आगे की चीजों को पढ़ेंगे, तब तक धन्यवाद।